नमस्कार। समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह धनखे ने करतारपुर में पशुपालन हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। गांव कांके के पूरा सरपंच समेत शेयर तस्कर गिरफ्तार। 7.75 किलोग्राम हीरोइन बरामद। एचजीपीसी की ओर से जम्मू कश्मीर में राह समखरी के 5 ट्रक किए गए रवाना। गुरदासपुर के गांव बब्बे हाली में घर में अकेली औरत को कत्ल करने का मामला आया सामने। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार के पशुपालन मछली पालन और डेयरी विकास और भलाई मंत्री सरदार गुलजार सिंह रणके द्वारा करतारपुर में पशु हॉस्पिटल की नई इमारत का उद्घाटन पत्थर से पर्दा हटाकर शुभारंभ किया गया। इस मौके मंत्री रणके ने बताया कि इस हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई गई है ताकि पशुपालक को किसी तरह की परेशानी न आ सके। आज करतारपुर की पत्थर धरती से बहुत लंबे समय तो मांग सी, खास करके साढ़े सत्कार योग फलौर साहब सारी इन्हों की संगत की हल्के वालों भी इतने जो बिल्डिंग से बहुत खस्ता सी, तो जिन्या अज के युग के वस्तु चाहदियाँ ही नहीं वह अज अं बिल्डिंग का हॉस्पिटल का ब्लाक का जोड़ा उद्घाटन किया, जिस तकरीबन 30 लाख अपना 35 लाख के लगभग खर्चा है। तो ये हर तरह की सहूलत जी लैबोरेटरी भी है टैसट वास्ते ज होर सारे डॉक्टर साहबान भी पूरे मतलब इतने किए ने इंस्पैक्टर ने यह सारा कुछ उत्थे दसते तो फिर बहुत वही जी चिट्टी क्रांतिकारी पंजाब बाल साहब का ही माता है मानजोग मुख्यमंत्री साहब का भी ये कोई मार्किंग प्रॉब्लम नहीं गई दुध जिन्ना चाहिए सानू अजे वो पूरा हो नहीं रहा। इस तरह फिशरी से भी जोर अं दे रहे हैं भी वो वो तो वे ता जो रुजगार जोड़ा वो होर मिल भी सके, आमदन जी आर्थिक हालत है जी किसान वीर की वो बढ़ सके, स्टेट की आर्थिकता भी बहुत फर्क जो है। बारह पशुओं बारे ही एक बोर्ड बनाया, वो बोर्ड के सारे पंजाब मैंबर साहबान लाए ने, सरकार ने बजट भी रखा 50 लाख रुपया वो सारे हूँ बोर्ड तक बना के जगह वेख के सारा बोर्ड लगा गया सारे जिले ना तालम करके फिर ब्रांचा इन्होंने जिले तक भी जड़िया वो जाएगा जो सवाल है बड़ा वाजब है अज के युग काफ़ी जिले भी शिकायत जी आ रही वो बोर्ड फिर देखभाल करेगा हो जो सरकार वालों कोई साजो समान चाहिए वो मुहैया करवा। जिला अमृतसर की पुलिस ने गांव कौके के पूरा सरपंच में 6 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 7.75 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 38 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल कर उनके पूरे नेटवर्क को समाप्त किया जाएगा। आज कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके बिहाफ हमने महल बाईपास में नाका लगाया हुआ था। मैं और SHO कैंटोनमेंट और हमारी पूरी टीम के साथ हमने नाका लगाया हुआ था। अराउंड 3 बजे के समय पे एक स्विफ्ट व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार नंबर PB02CH6301 ये कार महल चौक महल बाईपास पे हमें मिली। जब हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे उस गाड़ी में 4 बंदे मिले और उनके साथ उनके पास हेरोइन थी और एक मोटरसाइकिल प्लैटिना मोटरसाइकिल उस पर 2 बंदे सवार थे उनके पास भी हेरोइन रिकवर हुई। अराउंड 7.75 किलो हेरोइन बरामद हुई है और आगे उसकी हम FIR दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं। इसकी प्राइस अराउंड 37 to 38 करोड़ के करीब है। ये हम अभी जो घरिंडा पुलिस स्टेशन और राजासांसी पुलिस स्टेशन जो अमृतसर देहाती में पड़ता है उनसे हम उनका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे उसके बाद ही बता सकते। SGPC के प्रधान जत्थेदार अवतार सिंह ने जम्मू कश्मीर में हर पीड़ितों के लिए SGPC कमेटी की ओर से
भाई गुरदास हॉल से श्रीनगर के लिए राहत सामग्री के 5 ट्रक भेजे। इस मौके जथेदार अवतार सिंह ने कहा कि एसजीपीसी कमेटी सिख गुरुओं की ओर से दिए गए सिद्धांतों के मुताबिक देश में किसी भी कुदरती आफत पर पहल के आधार पर मानवता की सेवा के लिए हमेशा आगे आई है। पहले यह बताया कि ये जो इतना बड़ा दुखांत और इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि कहर होया है मनुष्यता नाल समूह कश्मीर वासियों नाल है उधर कोई भी किसी जात नाल संबंधित है किसी धर्म नाल संबंधित है और मैं समझता हूँ कि उसनू उसकी भरपाई करनी बहुत औखी है। लेकिन पहले दिन तो ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अगवाई करते हुए समुची पंजाबियों को समुची मनुखता अपील की कि वो बड़ी गिनती के उन्होंने राहत समगरी उन्होंने पहुँचाने लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का साथ देन इतने अपनी समगरी भेजन मुसलमान भाईचारे भी मदद की जाए। हालांकि असी पहला भी उन्होंने समान पहुँचा चुके हैं, 2-3 मस्जिदों के भी समान पहुँचा चुके हैं तो उन्होंने डिमांड को मुख रख के अज असी 2 ट्रक स्पैशल उन्होंने भेज रहे हैं क्योंकि गुरु के सिख न यह आदेश है गुरु का एक सिद्धांत है सिखी का साडा कि सरबत के भले की गल करनी है कोई बिपता चाहे वो मदद करनी है कोई संकट चाहे वो मदद करनी है जिनी भी हो सके हर मनुखता के हर बशर की सेवा करनी साडा परम धर्म है अरे असी मान दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जतन कर रही। गुरदासपुर के गांव बब्बे हाली में घर में अकेली औरत को कत्ल करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सरकारी अध्यापक की पत्नी घर में अकेली थी और घर में अज्ञात लोगों की तरफ से लूट की नीयत से घर में घुसी और घर में मौजूद घर की मालकिन पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और लुटेरे घर में बड़ी नकदी और सोने के गहने लेकर फरार हो गए। वही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। आज तकरीबन 12:30 बजे सानू एक इतला मिली सी भी बब्बे वाली पिंड लुट खोह की नीयत नाल किसी का कतल हो गया। मौके पर आके देखा गया कि लेडी नू घर कली सी उसनू थोड़े दियां सट्टां मार के सिर दे विच उहदा अलमारी दे विच पिया सोना भी लै गया पैसे भी लै गया तो उसका कतल भी कर गया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, FIR दर्ज करके तो जल्दी मुलजमान फड़। लुधियाना के कुछ सदस्यों और निजी संस्थाओं की ओर से पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी पौधे लगा रहे हैं जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण काम है। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि हमें अपने शहर में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। ये हमने इसलिए निकाला है कि ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, एनवायरनमेंट को अपने को पोल्यूशन रहित मुक्त करने पोल्यूशन के से मुक्त करने के लिए हमारे को ये सब करना चाहिए क्योंकि आजकल लोग हैं ना अपने कंस्ट्रक्शन के काम में इतने बिजी हैं कि उनको बिल्कुल चिंता ही नहीं है कि हमारे को सांस भी लेनी है, हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत है जो हमें पेड़ों के अलावा कोई कहीं से मिल ही नहीं सकती, सोर्स वही है। तो इसलिए हमने ये सब किया है। हाँ जी, मेरा नाम है अमनप्रीत कौर ते मैं GMT कॉलेज च एक स्टूडेंट हाँ। अज असी कॉलेज तो एक रैली कढ़ी जिहड़ी कि सारे वक् वक् इलाकों विच गई ते असी सारे जागरूक किया कि वध तो वध पेड़ लगाए जाण तां ते इसकी शुरुआत असी अपने घरों करांगे क्योंकि जे असी एक बंदा अपने घरों रुख लगाएगा तां ही अगे जाके होर लोग देख के उन्हूं लगाणगे। असी यही कहना चाहते हैं भी वह वध तो वध घरे रुख लगाण ते जेड़े बाहर किसी नूं भी देखते हैं कि कोई रुख कट रहा तो उन्होंने रोकण चाहे वो किसी हाथ क्यों ना बनने पैण क्योंकि ये साड़ी कल की जरूरत है। पावर कारपोरेशन की 32 एकड़ जमीन गलाड़ा को बेचने और पावर काम का दफ्तर फिरोजपुर रोड में शिफ्ट करने के खिलाफ महकमे के अफसरों मुलाजमों ने संयुक्त तौर पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जिसकी अगुवाई पावर काम के अफसरों इंजीनियरों और मुलाजमों यूनियन ने की। यह धरना मॉडल टाउन के बिजली मुलाजमों ने दिया और धरना देने वाली यूनियन के पावर काम मैनेजमेंट की मुलाजिम विरोधी फैसलों की निंदा की। जो चीफ इंजीनियर दे दफ्तर सामने कोऑर्डिनेशन कमेटी वालों रैली कर रहे हैं उसकी तैयारी वजो आज मॉडल टाउन अस रैली कर रहे हैं और असी होर भी वक् वक् दफ्तर इस तो पहला रैलियां कीतिया ने जिमें जनता नगर है, सुंदर नगर है, सिटी सेंटर है, सिटी वैसट आ, इत्थे असी ये रैलियां कीतिया ने। ऑफिस ने जिहड़े जिहदे विच साडे दफ्तरां दे विच सारे
खपतकार जाते ने जे वो साढ़े दफ्तर उतों चके जाते ने आम खपतकारां नूं आम लोगों नूं बहुत प्रॉब्लम आएगी ते वो विचार के जे कोई 24 तरीक तो बाद 24 तरीक नूं जो साडा धरना है सारिया ही यूनियन ते इंजीनियर साढ़े नाल ने और जे कोई उस तो बाद साडी मंग ना मनी गई ते असीं कुछ सख्त एक्शन करांगे। अमृतसर के मकबूलपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक द्वारा कुचले जाने के कारण एक पैदल चालक की मृत्यु हो गई है। यह ट्रक अमृतसर से वल्ला की ओर जा रहा था और मृतक की पहचान कश्मीर सिंह उम्र 50 साल निवासी मकबूलपुरा के तौर पर हुई है। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मकबूलपुरा के SHO कुलदीप सिंह ने पहुंचकर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਮਗਰਲਾ ਟਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗਾ ਚੜਿਆ ਕਲੈਂਡਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਰ ਮਗਰਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਖੋਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜੀ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਟਰੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 11 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ H4 36 N 26 ਇਹ ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੇਂ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇਂ 34ਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤੋਂ ਸੇ ਸਮਾਂ ਬਾਂਧਾ। रफ़ी साहब की और सारा शहर नहीं पूरा देश पूरी दुनिया उनको याद करती है कि यहाँ के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी जल्द ही अनाउंस करें कि रफ़ी साहब की शहर में बहुत बड़ी यादगार हो एक मेला लगे एक अखाड़ा लगे हर साल उनको याद किया जाए और उसके लिए यादगार बननी चाहिए। इंचियोन में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट जीत लिया है। उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा फाइनल में जगह बनाई है और इसी बीच खबर है कि अभिनव ने रिटायरमेंट का अपना प्लान टाल दिया है। पुलिस इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि हर इनकाउंटर की FIR दर्ज हो और जब तक जांच चलेगी तब तक संबंधित पुलिस अधिकारी को ना प्रमोशन मिलेगा और ना ही ग्रैंट्री अवार्ड मिलेगा। अदालत ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ के सभी मामलों की जांच CBI जांच CID जैसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। चीनी सैन्य लद्दाख के डेमकोंच में ही 18 दिनों से जमे हुए और सैनिक गांव वालों के घोड़े छीनकर गश्त लगा रहे हैं। चीनी सैनिकों की घुसपैठ जारी है। सैनिकों ने घुसपैठ के बाद गांव वालों को धमकाया और भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने का दबाव बनाया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह धनखे ने करतारपुर में पशुपालन हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। गांव कांके के पूरा सरपंच समेत 6 तस्कर गिरफ्तार, 7.5 किलोग्राम हीरोइन बरामद। SGPC की ओर से जम्मू कश्मीर में राहत सामग्री के 5 ट्रक किए गए रवाना। गुरदासपुर के गांव बब्बेहाली में घर में अकेली औरत को कत्ल करने का मामला आया सामने। इसी के साथ आज के समाचार जय समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।